हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टिप्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में अपना खाता खोल लिया है। जी हाँ, चौथा T20 ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता। आखिरी ओवर में बस 11 रन चाहिए थे और एंड्रयू रसेल थे क्रीज पर, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उनको जीतने नहीं दिया। बहुत ही शानदार जीत हासिल करी ऑस्ट्रेलिया ने और हमने भी अपना खाता खोल लिया है और हमने इस मैच में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करा है। तो चार मैच हो चुके हैं, लास्ट मैच है, पांचवा मैच है, 17 तारीख को खेला जाएगा। सेम वेन्यू और टाइमिंग भी होगी बिल्कुल सेम। तो कैसे हम एक और दिन को प्रॉफिटेबल बनाएं और इस सीरीज को करें हम एक हाई नोट और विनिंग नोट पर फिनिश, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पांच टिप्स जो मैंने इस मैच में निकाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस मैच की टिप नंबर वन के साथ। तो इस मैच में मैंने बैक करा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मोमेंटम लेकर आ रही है और वो मोमेंटम जो है पांचवे मैच में भी कंटिन्यू रहेगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो लास्ट T20 में जीतने में कामयाब रहेगी 2.00 ऑड्स पर। बहुत ही बेहतरीन ऑड है और इस पर मुझे टोटल मुनाफा जो मिल रहा है ओरिजिनल स्टेक का वो है पूरे 2000 रुपए का। आप बैक करें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ये मैच भी जीतने में कामयाब रहेगी और सीरीज को करेगी 3-2 पे फिनिश। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर टू की तरफ। तो एक बार फिर से मैंने बैक करा है, लास्ट मैच में ये बैट जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हुई और इसीलिए मैंने इस मैच में भी बैक करा है कि जो भी टीम, चाहे वेस्ट इंडीज हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम हो जो पहले बल्लेबाजी करेगी वो 170 का आंकड़ा छूने में कामयाब रहेगी 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टेक है, 1.66 का मुझे मिल रहा है इस पर नेट प्रॉफिट। तो आप जरूर बैक करें कि पहली इनिंग में जो है वो 170 रन बन जाएंगे 1.83 ऑड्स पर। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर थ्री की तरफ। तो इस मैच में मैंने बैक करा है कि मिचेल मार्श की प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 41 प्लस की इस मैच में भी रहेगी 1.83 ऑड्स पर और टोटल मुनाफा जो मिल रहा है मुझे डबल स्टेक का वो है 1.666 का। अगर हम बात करें मिचेल मार्श की तो वो इस सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं रुके, हर मैच में उन्होंने बहुत ही तकड़ी परफॉर्मेंस दी और लास्ट मैच में इन्होंने मुझे बहुत ही शानदार प्रॉफिट बुक करके दिया और मैन ऑफ द मैच भी बने मिचेल मार्श। तो मैंने इसलिए इस मैच में बैक कराया है कि वो गेंद के साथ भी पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं और बल्ले के साथ भी ऊपरी स्थानों पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मिचेल मार्श जो है वो 41 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। और एक बार फिर से बता दूं, अगर मार्श एक रन मारेंगे इन्हें मिल जाएगा 1 पॉइंट और अगर ये कैच पकड़ लेंगे इन्हें मिल जाएंगे 10 पॉइंट और अगर एक ये विकेट भी ले लें तो इन्हें पूरे मिल जाते हैं 20 पॉइंट। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है प्लेयर परफॉर्मेंस। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 4 की तरफ। मैथ्यू वेड, जी हां, कीपर हैं और ओपनर हैं। इस मैच में इनकी एक बड़ी इनिंग आने की काफी ज्यादा संभावना है, बहुत ही तेज खेल रहे हैं और विकेट कीपर भी बहुत शानदार है। तो उनकी मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 35 प्लस की क्रॉस हो जाएगी इस मैच में 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टेक है, 1.666 का मुझे इस पर मिल रहा है पूरा टोटल मुनाफा। तो आप जरूर बैक करें मैथ्यू वेड की प्लेयर परफॉर्मेंस को 35 प्लस की। तो आइए चलते हैं स्मैश की टिप नंबर 5 की तरफ, एडम ज़ैम्पा। जी हां, पहली बार इस सीरीज में मैंने ज़ैम्पा पर अपना स्टेक लगाया है। जी हां, 21 प्लस की प्लेयर परफॉर्मेंस रहेगी एडम ज़ैम्पा की 2.00 ऑड्स पर और टोटल मुनाफा जो मिल रहा है मुझे वो पूरे 2000 रुपए का है। बहुत ही शानदार ये गेंदबाज हैं और जो है बल्ले के साथ भी काफी अच्छी अपना हुनर दिखाते हैं और फील्डर भी बहुत शानदार हैं। तो इसलिए मैंने बैक कराया है कि ज़ैम्पा की प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 21 प्लस की क्रॉस हो जाएगी इस मैच में ही। तो ये पांच टिप्स मैंने आपको रिकमेंड करी हैं और आपको कहां पे जाकर स्टेक लगाना है, bet365.com पर। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने आसानी के लिए एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक को आप करिए टैप और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे bet365 की वेबसाइट पर और वहां पे जाके करिए आप खेलना शुरू और बनाइए मुनाफा और करिए इस सीरीज को एक प्रॉफिट के साथ खत्म। और क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, एक के बाद एक मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं और वीडियो भी मैं सुबह ही अपलोड कर देता हूं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।